हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मिल्क पाउडर से काले गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं मिल्क पाउडर से काले गुलाब जामुन। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है 3 चम्मच मैदा, ये मैंने आधा कटोरी लिया है मिल्क पाउडर, 1 चम्मच सूजी, 1 बाउल मैंने लिया है चीनी का चाशनी बनाने के लिए, थोड़ा सा गर्म दूध लिया है, आधा नींबू, 3-4 छोटी इलायची और 1 चम्मच देसी घी, 1 पिंच बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 बर्तन में चीनी डाल दी है, 1 कटोरी हमने चीनी डाली है तो 1.5 कटोरी हम पानी डालेंगे। चीनी को बॉईल होने दें अच्छे से पानी में, 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से डिसॉल्व होने दें, चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए। चीनी हमारी लगभग डिसॉल्व हो चुकी है, इसके अंदर हम डाल देंगे छोटी इलायची, आधा नींबू यानी 1 चम्मच लेमन जूस। इसे लो फ्लेम पर हम चाशनी बनने देंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे हमें। जब तक ये चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। 1 बाउल के अंदर हम डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, सूजी, देसी घी और बेकिंग सोडा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम दूध डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसके इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे। ये हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। इसी तरह हम दूसरे भी बना के रख लेंगे फ्राई करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार है। चाशनी हमने बना ली है गुलाब जामुन के लिए और फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। ये हमारे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तैयार हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है। ये हमारे काले गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं, आप देख रहे हैं। इसे हम चाशनी के अंदर डाल देंगे इस तरह से। चाशनी के अंदर ये पूरी तरह डिप नहीं हो रहे क्योंकि बर्तन थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको 1 बाउल में डाल देती हूँ। ये हमारे गुलाब जामुन 1 बाउल में हमने डाल दिए हैं क्योंकि चाशनी के अंदर अब पूरी तरह से डिप हो रहे हैं। बाउल जो है वो कम चौड़ा है, इसके अंदर पूरी तरह से आ गए हैं ये। इसे 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे ताकि ये चाशनी को पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। 1 घंटे के बाद ये हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगेंगे। ये ब्लैक गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं और बहुत ही इजी वे से बनाए हैं। आप इसे घर पर ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।